क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 के ग्रह द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए ताकि वह 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करे। द्रव्यमान है वो आपके पास कितना है, 20 के ग्रह है, बल दिया हुआ है 100 न्यूटन है, समय हमसे पूछा जो अंतिम वेग है वो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। तो इसको देखें, द्रव्यमान एम दिया हुआ है 20 kg, न्यूटन एंड बल दिया हुआ है 100 न्यूटन, और जो वेग है अंतिम वेग वो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। तो जो प्रारंभिक वेग है वो आपके पास क्या हुआ, शून्य होगा, तो यू बराबर शून्य। तो हमारे गति का प्रथम समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस के ए टी। अब हमसे समय पूछा जा रहा है, टी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वी आपके पास है, यू आपके पास है, ए नहीं है और टी भी नहीं है। तो पहले हम ए ज्ञात करते हैं। तो देखिए बल एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए दिया हुआ है, एफ का जो मान है कितना है 100 बराबर एम दिया हुआ है 20 इंटू ए। तो हमने ए का जो मान निकाल लिया 20 × 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारे पास ए का मान आ गया, ए का जो मान है, अब इसे हम ज्ञात करते हैं वी। तो वी दिया हुआ है 100 बराबर यू कितना है 0 + 5 इंटू टी हमें ज्ञात करना है कितने समय के लिए। तो 100 बराबर 5 t, तो t बराबर 100/5, तो 20 सेकेंड। जो t बराबर है वो आपका आंसर आएगा 20 सेकेंड तक बल लगाने पर उसका जो वेग है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।